इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट एक ऐसा एक कोड होता है जिसके थ्रू आप पॉपअप्स मैसेज को जनरेट कर सकते हो, इनपुट फील्ड में पुट करके बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, कुकीज निकाल सकते हो, सेशंस निकाल सकते हो, सेशन आईडी, टोकन आईडी जनरेट कर सकते हो और फंक्शनैलिटी डिफाइन कर सकते हो। बट जब बात आती है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन की, तो यहाँ पर क्या होती है, ये सर्वर साइड की वल्नरेबिलिटीज होती है जिसमें जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब जब एक वेब एप्लीकेशन में यूजर कंट्रोलेबल वैल्यूज को स्ट्रिंग की बिहाफ पे पुट कर दिया जाता है जिसमें डायनेमिकली वैलिडेट होता है इंटरप्रेटर के थ्रू कोड, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता है, और जब जावास्क्रिप्ट का कोड को इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पर यूजर की कंट्रोलेबल वैल्यूज होती हैं जो स्ट्रिंग में पास करके वैलिडेट करा दी जाती है इंटरप्रेटर के थ्रू, तो उस टाइप की वल्नरेबिलिटीज को हम सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन कहते हैं। अटैकर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन वल्नरेबिलिटीज को और कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं फंक्शनैलिटी के साथ साथ वेब एप्लीकेशन जो होस्टेड है सर्वर पर, उसके डाटा को भी और उसकी फंक्शनैलिटी को भी। इट मीन्स कि अगर कोई वेब सर्वर पर कोई वेबसाइट होस्टेड है और अटैकर ने सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन उस पर परफॉर्म कर दिया, तो उस वेबसाइट का डाटा तो कॉम्प्रोमाइज करेगा ही, प्लस उसकी फंक्शनैलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो इस टाइप की वल्नरेबिलिटीज को हम सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज कहते हैं।